ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है पब्लिक हेल्थ। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज़ पब्लिक हेल्थ। अब भाई पब्लिक हेल्थ में सबसे पहला सवाल तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी जो पटकी क्वेश्चन आते हैं ना उनमें से है, लेकिन वाइवा में ये ज़रूर पूछा जाता है पब्लिक हेल्थ को डिफाइन करो। तो कैसे करेंगे, एक साइंस है या आर्ट है किस चीज़ की, बीमारी के बचाव की, जिंदगी को लंबा करने की, हेल्थ को प्रमोट करने की, कैसे, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट के थ्रू, लोगों को मिलके बीमारी को बचाना है, जिंदगी को लंबा करना है और हेल्थ को प्रमोट करना है। तो दैट इज़ योर पब्लिक हेल्थ, इट इज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ, एक पार्ट पढ़ने का ना, अगर कोई डेफिनेशन याद करनी है तो टुकड़ों में कर लो, इट इज़ इन साइंस एंड आर्ट ऑफ, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, प्रिवेंटिंग डिजीजेस, प्रोलोंगिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग हेल्थ। और तीसरा पार्ट, थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट, एक दो तीन ऐसे याद करो। साइंस एंड आर्ट होता है डिजीज़ को प्रिवेंट करके, लाइफ को प्रोलोंग करके और प्रमोट करके हेल्थ को थ्रू कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, समझ गए। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई पब्लिक हेल्थ की। अब पब्लिक हेल्थ के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ के नाम अगर तुमको लिखने हैं पब्लिक हेल्थ में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो लिख दो भाई, आपको बीमारी से बचाव कराना है, ज़िंदगी को लंबा करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है, तो कैसे करोगे ये सब कुछ। पहली चीज़ तो लोगों को हेल्थ एजुकेशन देके, दूसरी चीज़ उनको उनकी पर्सनल हाइजीन के बारे में बता के कि भैया पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करके रखो, बीमारी नहीं होगी। सैनिटेशन करके एनवायरनमेंट का, आसपास का वातावरण साफ रखो, बीमारी नहीं होगी। बीमारियों को, खासकर कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करके, और इन कंट्रोल कैसे करोगे डिजीज़ को, जितनी जल्दी हो सके डायग्नोस करो और ट्रीट करो। ये सारी चीज़ें एक्चुअली आपकी पब्लिक हेल्थ में आती हैं, लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कराना उनकी, एनवायरमेंटल सैनिटेशन मेंटेन करके रखना, कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करना और डिजीज़ को जितनी जल्दी हो सके डायग्नोस और ट्रीट करना, ये सभी आपके पब्लिक हेल्थ में आते हैं। और भी चीज़ें आती हैं, एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए। जो वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, पब्लिक हेल्थ कैसे डिफर करती है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, US, UK की बात करें अगर हम, तो ना वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक हेल्थ का जो एम्फेसिस है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ है, जैसे कि ओबेसिटी, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, ये सब कैंसर, ये सब चीज़ें वहाँ ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए पब्लिक हेल्थ के ज़्यादा मायने इन चीज़ों के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता है पब्लिक हेल्थ। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया वगैरह, वहाँ पे ना कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा हैं, इसीलिए उन जो पब्लिक हेल्थ है उसका एम्फेसिस ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ के कंट्रोल करने के लिए होता है। तो ये चीज़ आपको वाइवा में सबसे इंपॉर्टेंट, और एग्जामिनर एटलीस्ट आपके, अगर वेरी शॉर्ट नोट भी आया है तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है आपने ये पॉइंट तो लिखे होंगे, डेवलप्ड कंट्रीज़ में नॉन कम्युनिकेबल और डेवलपिंग कंट्री में कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने का मेन एम्फेसिस होता है पब्लिक हेल्थ का, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ सवाल की, तो जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है उसमें ना ये पटकी क्वेश्चन है, कभी कभी आता है और वेरी शॉर्ट नोट के तौर पे आपको आ सकता है, पर पटकी क्वेश्चन होता है तो बहुत कम आया है पर आ सकता है। वाइवा के लिए अगर मैं बात करूँ तो दो इंपॉर्टेंट चीज़, पहला कि भैया इसकी डेफिनेशन बता दो, तो वही तीन भागों में साइंस एंड आर्ट होती है, प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोलोंगिंग लाइफ, प्रमोटिंग हेल्थ और ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट के द्वारा। और दूसरा वाइवा का क्वेश्चन, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में फ़र्क क्या है पब्लिक हेल्थ में, तो एक डेवलप्ड जो है नॉन कम्युनिकेबल पर ज़्यादा ध्यान देगी, डेवलपिंग जो है वो कम्युनिकेबल पर ज़्यादा ध्यान देगी। MCQ एज सच मुझे मिला तो नहीं अलग से, लेकिन मुझे लगता है MCQ इसके इसी पे आ सकता है कि पब्लिक हेल्थ जो है डेवलप्ड में किस पे ध्यान देगी और डेवलपिंग पे किस पे ध्यान देगी, ये बताओ, ठीक। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको पब्लिक हेल्थ के बारे में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।